Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Muhammad Fahad Yusuf, and I hope that you all are doing well. So, our chapter, first year biology, prokaryotes, is lecture number one, and our topic is word bacteria. Now, as students, you do know that bacteria are the single-celled microscopic organisms. And bacteria are the most common type of prokaryotic cell. And these are the bacteria are even more common than archaea and more common than cyanobacteria. Bacteria was first time discovered by a scientist whose name is Leeuwenhoek. So Leeuwenhoek is the scientist who first time discovered in the bacteria while observing rain water. सही है, उन्होंने रेन वाटर से जो तालाब बनते हैं, जो पॉन्ड्स बनते हैं मुख्तलिफ जगह पे, सही है, वहाँ से रेन का ड्रॉप्स लिया और उसको फिर स्लाइड के ऊपर रख दिया, माइक्रोस्कोप से देखा तो कुछ पार्टिकल्स उनको मिल गए, कुछ ऑर्गेनिज्म उनको मिल गए जिन्होंने उनको उनको नाम दिया था, इनिमेल क्यूलस नाम दिया था. Now this is a very मतलब interesting नाम्स था और इनिमेटिकल्स का नाम इसलिए दिया कि जो पार्टिकल्स उन्होंने उसमें देखे वो इस तरह मूवमेंट कर रहे थे, रिंगलिंग मूवमेंट कर रहे थे, इसलिए हमको ये नाम दिया इनिमेटिकल्स. इनिमेटिकल्स का मतलब क्या होता है कि this is the simplest organism. इसलिए नाम दिया इनिमेटिकल्स नाम दिया. नाउ बैक्टीरिया जो है इसकी हैबिटाट की तरफ आते हैं. हैबिटाट से पहले हम दो साइंटिस्ट की बात करते हैं. एक साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट कोच, ठीक है, रॉबर्ट कोच, जिन्होंने मुख्तलिफ बैक्टीरियल डिजीज़ पे काम किया कि वो डिजीज़ जो बैक्टीरिया की वजह से काज होती हैं उन्होंने इन पे काम किया, ठीक है, और उन्होंने एक थ्योरी प्रेजेंट की जिसको हम कहते हैं जर्म टू डिजीज थ्योरी. नाउ यहाँ जो उस जमाने के अंदर, उस टाइम के अंदर जो जर्म का वर्ड था ट्रेडिशनली उसको यूज किया जाता था किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए, ठीक है. नाउ इसी मतलब जब बहुत से डिजीजेस बैक्टीरिया की वजह से काज होती हैं तो इसलिए उस जमाने के अंदर बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस जो है वो ज़्यादा हो गई. फिर उसके बाद जो साइंटिस्ट था जिसने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया उसको नाम है लुईस पाश्चर. और लुईस पाश्चर विच इज़ द ग्रेट बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट, और लुईस पाश्चर ने भी बहुत ज़्यादा काम किया बैक्टीरिया पे. और जब बैक्टीरिया पे बहुत ज़्यादा काम किया तो उसके बाद बैक्टीरिया जो है बैक्टीरियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के जो फील्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए, कॉमन जो है वो हो गए, ठीक है. नाउ इसके बाद दोबारा थोड़ा सा इसको देखें आप कि बैक्टीरिया जो है ये प्रोकैरियोट से है और बैक्टीरिया जो है ट्रेडिशनली बैक्टीरिया जो है इसको हम प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो कहते हैं. नाउ इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल डिस्कवर्ड बाय लीवनहुक. और लीवनहुक ने जब इसको देखा, रेन ड्रॉप से इसको हासिल किया, ठीक है, तो फिर उसको जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो जो पार्टिकल्स मिल गए उसका नाम, उसको उन्होंने नाम दिया इनिमेटिकल्स. इनिमेटिकल्स जो था इसका मतलब क्या है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. फिर उसमें एक दूसरा साइंटिस्ट ने काम किया जिसमें रॉबर्ट कोच आता है. रॉबर्ट कोच ने बैक्टीरिया की डिजीज़ पे काम किया कि वो डिजीज़ जो बैक्टीरिया की वजह से काज होती हैं उन्होंने इस पर काम किया.
ठीक है, ना उन्होंने थ्योरी प्रेजेंट की जो उस बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जर्म टू डिजीज थ्योरी, और जिन्होंने इस पे काम किया इस थ्योरी के अंदर कौन सी डिजीजेज जो है वो बैक्टीरिया की वजह से काज होती है, ठीक है। और इसके बाद लुईस पाश्चर जो था उन्होंने भी बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया पे इम्पॉर्टेंट वर्क किया, उसके बाद बैक्टीरियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या हो गई, वो ज़्यादा हो गई, और बैक्टीरियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी पे बहुत ज़्यादा इसके बाद से रिसर्च जो है वो शुरू हो गया। लुईस पाश्चर जो है उन्होंने वैक्सीन भी डिवेलप किया रेबिस के खिलाफ, रेबिस जो डिजीज़ है इसके खिलाफ वैक्सीन भी डिवेलप किया, ठीक है। नाउ इसके बाद जो है वो हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की तरफ आते हैं, कि जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है उसकी तरफ आते हैं, पर उससे पहले हम बैक्टीरिया की हैबिटाट की बात करते हैं कि बैक्टीरिया कहाँ पे पाया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया जो है वो इट इज फाउंड एवरीवेयर, बैक्टीरिया इट इज एक्चुअली फाउंड एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब क्या है कि फाउंड एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब क्या है, इट इज फाउंड इन एयर, इट इज फाउंड इन वर्ड, इन वाटर, वाटर के अंदर पाए जाते हैं, इट इज फाउंड इन सॉइल, सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, इट इज फाउंड इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो बॉडीज हैं उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और दे आर फाउंड इवन दे सम बैक्टीरिया आर एक्सट्रीमोफाइल्स, मतलब हाई टेम्परेचर के अंदर पाए जाते हैं, सही है, हाई सेलिनिटी के अंदर पाए जाते हैं, जहाँ पे साल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे पाए जाते हैं, हाई पीएच के अंदर जहाँ पे पीएच बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे भी बैक्टीरिया जो है वो पाए जाते हैं, सही है। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि स्नो के अंदर पाए जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि हॉट स्प्रिंग के अंदर पाए जाते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा भी होता है। सो बैक्टीरिया फाउंड एवरीवेयर, हम इस तरह नहीं कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे बैक्टीरिया ना हो हम तस्वर भी नहीं कर सकते हैं, बैक्टीरिया हर जगह हर एनवायरनमेंट के अंदर हर कंडीशन के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। नाउ बैक्टीरिया फाउंड एवरीवेयर ये हमें पता चल गया, ठीक है। इसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आते हैं जिसको हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पे बात करते हैं। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया जो है इसमें हम मुख्तलिफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पे बात करते हैं, डिफरेंट बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर जो आता है हम बात करते हैं कैप्सूल के ऊपर, कैप्सूल, उसके बाद सेल वॉल, ठीक है, और उसके बाद जो है हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बाद हम बात करेंगे क्या, साइटोप्लाज्म। सो ये जो चार हैं मेन, ये बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। कुछ और भी हैं जिसके बारे में, राइबोसोम है, जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और इसमें हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कैप्सूल पे, बात करते हैं कि कैप्सूल क्या होता है। नाउ कैप्सूल इज द आउटर मोस्ट टफ कवरिंग। व्हाट इज कैप्सूल, कैप्सूल इज द आउटर मोस्ट रिजिड कवरिंग, रिजिड कवरिंग, और कैप्सूल जो है वो सेल वॉल के बाहर मौजूद होता है, इसलिए ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर मोस्ट रिजिड कवरिंग है, ठीक है। नाउ कैप्सूल जो है ये किस चीज से बना हुआ है, केमिकली इट इज मेड ऑफ पॉलीसेकेराइड, केमिकली ये किस चीज से बना हुआ है, ये पॉलीसेकेराइड से बना हुआ है, ठीक है। तो मोस्टली कैप्सूल जो है वो किस चीज से बना हुआ है,
वो कैप्सूल पॉलीसेकेराइड से बना हुआ है। कभी कभार इसमें पॉलीसेकेराइड के साथ साथ इट इज आल्सो मेड ऑफ प्रोटीन। ये पॉलीसेकेराइड के साथ साथ इसमें क्या होता है, प्रोटीन भी होता है। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर कैप्सूल प्रेजेंट होता है, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता। सही है, सो इट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया। सही है, और वो बैक्टीरिया जिसके अंदर कैप्सूल प्रेजेंट होता है उनको हम कहते हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं, जिसके अंदर कैप्सूल प्रेजेंट होता है। और स्टूडेंट्स, जिसके अंदर कैप्सूल एब्सेंट होता है, इट इज एब्सेंट इन सम बैक्टीरिया। जिसके अंदर ये एब्सेंट होता है और उन बैक्टीरिया को हम नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं, नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया इनको हम कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि फंक्शंस ऑफ कैप्सूल जो हैं इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। फंक्शंस ऑफ वर्ड ऑफ कैप्सूल पे बात करते हैं। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कैप्सूल। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो फंक्शंस है कैप्सूल का, कि कैप्सूल जो है वो बैक्टीरिया की बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। इट एक्चुअली प्रोटेक्ट्स द बॉडी ऑफ, इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया। किन कौन सी चीजें से प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरिया की बॉडी को? सबसे पहला क्या है, एंटीबायोटिक्स से है। दूसरा, एंटीबॉडीज से बैक्टीरिया की बॉडी को क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद क्या है, हाई टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर जो है वो बल्कि हाई टेम्परेचर जो है इसके बैक्टीरिया की बॉडी को क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। और कंडीशन आता है डिसिकेशन, जिसे कहते हैं हम, जिसे हम ड्रॉफ कहते हैं, ठीक है, जिसे हम खुश्की कहते हैं। ऐसा कंडीशन जिसमें लेट्स सपोज वाटर प्रोवाइड नहीं है बैक्टीरिया की बॉडी को, तो उस बैक्टीरिया की बॉडी को इस सिचुएशन के अंदर कौन प्रोटेक्ट करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है कौन, कैप्सूल प्रोटेक्ट करता है। सो कैप्सूल क्या काम करता है, एंटीबायोटिक्स से और एंटीबॉडीज से प्रोटेक्ट करता है। एंटीबायोटिक्स जो यूज़ किया जाता है वो बैक्टीरिया को क्या करता है, एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस शो करता है। ठीक है, एंटीबॉडीज जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है, जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, उस एंटीबॉडीज से कौन प्रोटेक्ट करता है, कैप्सूल प्रोटेक्ट करता है। सो वो बैक्टीरिया जिसके अंदर कैप्सूल प्रेजेंट होता है उनको हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। और बिकॉज ऑफ दीज टू बैक्टीरिया जो है, बल्कि कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया दे शो मोर रेजिस्टेंस, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया शो मोर रेजिस्टेंस to antibiotics, to antibodies and are more pathogenic, और ज़्यादा क्या होते हैं वो, pathogenic होते हैं। Now pathogenic means disease cast करते हैं वो, they non-capsulated bacteria, capsulated bacteria ज़्यादातर क्या होते हैं, pathogenic होते हैं, क्योंकि वो resistance show करते हैं against antibiotics, वो resistance show करते हैं against the antibodies which are produced by the living host. ठीक है, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ वर्ड कैप्सूल। कैप्सूल के और भी फंक्शन है, फॉर एग्जांपल ये जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उनको शील्ड प्रोवाइड करता है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द लिविंग होस्ट। ठीक है, दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है कि बैक्टीरिया जो कॉलोनी बनाते हैं, ग्रुप्स की फॉर्म में होते हैं, तो एक बैक्टीरिया जो दूसरे बैक्टीरिया के साथ अटैच होता है, तो वो अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ वर्ड कैप्सूल। स्टूडेंट, दो पॉइंट्स इसमें और हैं कि अगर लेट्स सपोज सेल वॉल के साथ ये कैप्सूल टाइटली अटैच होता है तो फिर इसको हम कहते हैं कैप्सूल कहते हैं, या फिर इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कैलिक्स वर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज दिस इज द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया और उसके साथ ये लेट्स सपोज
जो ये लेयर है कैप्सूल, ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज फॉर्म में और टाइटली अटैच होता है, ठीक है, इसके सलवार के साथ। तो फिर इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको फिर हम नाम देते हैं कैप्सूल का नाम देते हैं, या फिर इसको हम वर्ड, दूसरा वर्ड इसके लिए यूज़ करते हैं, इसके लिए हम दूसरा जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है कैलिक्स है, ठीक है। विन द कैप्सूल जो लेयर होता है वो टाइटली अटैच होता है, टाइटली अटैच होता है सलवार के साथ, बैक्टीरिया के सलवार के साथ। तो फिर इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कैप्सूल, या इसके लिए फिर हम वर्ड यूज़ करते हैं कैलिक्स। और जब ये लूजली अटैच होता है सलवार के साथ, मतलब डिसऑर्गेनाइज फॉर्म में अरेंज होता है सलवार की बॉडी के साथ, सलवार के साथ अटैच होता है, तो फिर इसको हम कहते हैं स्लाइम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज दिस इज बैक्टीरिया और उसके साथ ये जो लेयर है ये लूजली अरेंज है, डिसऑर्गेनाइज फॉर्म में अरेंज होता है, तो फिर इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, क्या वर्ड यूज करते हैं, स्लाइम वर्ड यूज करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट वर्ड कैप्सूल, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, जो इसमें आता है वो है सलवार है। नाउ स्टूडेंट्स, सलवार जो है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो कि बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, और सलवार जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया की बॉडी को। अगर लेट सपोज सलवार का शेप जो है वो राउंड है तो बैक्टीरिया का शेप भी क्या होगा, राउंड होगा। अगर बैक्टीरिया, अगर सलवार जो है वो रॉड शेप है तो बैक्टीरिया भी क्या होगा, रॉड शेप होगा। सो सलवार जो है इट इज एक्चुअली रिजिड हार्ड स्ट्रक्चर, इट इज द रिजिड हार्ड क्या है, कवरिंग है, मेम्ब्रेन होता है जो कि सराउंड करता है बैक्टीरिया की बॉडी को। और इसकी केमिकल कंपोजिशन अगर हम देख लें, केमिकली इट इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ, ये किस चीज से बना हुआ है, केमिकली इट इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये किस चीज से बना हुआ है, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स, पेप्टाइडोग्लाइकेन के लिए हम जो दूसरा वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं म्यूरिन भी हम यूज करते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकेन दो वर्ड का कम्बिनेशन होता है, पेप्टाइडो का मतलब होता है, ये वर्ड जो आता है वो एमाइनो एसिड के लिए आता है, वो एमाइनो एसिड के लिए आता है, और जो ग्लाइकेन का वर्ड है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, रिप्रेजेंट करता है वो ओलिगोसैकेराइड को, एक्चुअली क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। सो दो चीज़ों से, एमाइनो एसिड प्लस ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स दोनों मिल के क्या बनाते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है ये बनाते हैं। जो बैक्टीरिया का सलवार है वो किस चीज़ से बना हुआ है, वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से जो है वो बना हुआ है। नाउ सलवार के फंक्शन की बात करते हैं कि सलवार क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है। नाउ सलवार, एज आई मेंशन अर्लियर, सलवार प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड शेप, क्या प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है, और किस चीज को, वर्ड टू द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को क्या करता है, उसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसको शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। और यही सलवार जो है वो बैक्टीरियल की ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी होता है, उसके अंदर भी इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, बैक्टीरिया की डिवेलपमेंट के अंदर भी किसका रोल है, सलवार का रोल होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हांस क्रिश्चियन ग्राम, उसने क्या काम किया था, उसने बैक्टीरिया को सलवार की केमिकल कंपोजिशन की बेस पे दो ग्रुप्स के अंदर
डिवाइड किया था, ठीक है, एक को हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरे को हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और द साइंटिस्ट का नाम क्या था, हांस क्रिशियन ग्राम जो था उसने क्या काम किया था, ही एक्चुअली डिवाइडेड द बैक्टीरिया इंटू टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया था। ऑन द बेसिस ऑफ किसकी बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन की बेस पे, नाउ फर्स्ट इसको हम कहते हैं, एक को हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो कहते हैं। सो ये किसने इसको डिवाइड किया था, इसको डिवाइड किया था, साइंटिस्ट का जो नाम है वो है सर हांस क्रिश्चियन ग्राम जो है इसने इसको डिवाइड किया था। नाउ इसको जो डिवाइड किया था, अभी हम देखते हैं कि किस तरह इन्होंने इस पे काम किया था। सो उसने लेट्स सपोज क्या काम किया कि बैक्टीरिया की कॉलोनी को उठाया, बैक्टीरिया को उठाया, उसको एक स्लाइड के ऊपर रख दिया, एक स्लाइड के ऊपर डिफरेंट बैक्टीरिया को रख दिया, ठीक है, लेट्स सपोज दीज आर द डिफरेंट बैक्टीरिया व्हिच आर एक्चुअली प्रेजेंट, एक स्लाइड लिया और उसके ऊपर इस बैक्टीरिया को रख दिया। नाउ ही ट्रीटेड ग्राम स्टेन, उसने वायलेट डाई को यूज किया, ही ट्रीटेड ग्राम स्टेन और वायलेट डाई को क्या किया, वो यहां पे यूज किया, ठीक है, वो यहां पे क्या किया उसने अप्लाई किया। और फिर उसके साथ इस कलर को और भी पुख्ता करने के लिए उसने आयोडीन को भी क्या किया, यूज किया। अब कुछ टाइम पहले इसको स्टोर किया और फिर उसको वॉश किया, ही ट्रीटेड विद वर्ड, ही एक्चुअली वॉश या ट्रीटेड विद वर्ड विद एसीटोन, इसको क्या किया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से इसको वॉश किया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फॉर एग्जाम्पल दैट इज वर्ड दैट इज एसीटोन या अल्कोहल से इसको क्या किया, वॉश किया। जब इसको वॉश किया तो कुछ बैक्टीरिया ने कलर को रिटेन किया, रिटेन द डाई, उसने डाई को क्या किया, कलर को रिटेन किया, और कुछ जो था उसने नट रिटेन द डाई, उसने जो कलर था उसको रिटेन नहीं किया। तो जो बैक्टीरिया आफ्टर वॉश विद वर्ड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से जब इसको वॉश किया फॉर डीकलराइजेशन, तो कुछ बैक्टीरिया ने कलर को जब रिटेन किया तो उन बैक्टीरिया को फिर हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, जिसने कलर को क्या किया, रिटेन किया। और वो बैक्टीरिया जिसने कलर को रिटेन नहीं किया उन बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है हम उसको कहते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स अभी हम कंपैरिजन देखते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनमें आपस में क्या क्या डिफरेंस है। सो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इस तरह हमने यहाँ पे इसको देखा कि वो कलर को रिटेन करता है आफ्टर वॉशिंग विद वर्ड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। नाउ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर दे एक्चुअली कंटेन
मोर कंटेंट्स ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन के बहुत ज़्यादा थिक लेयर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज वो पेप्टाइडोग्लाइकेन के बहुत थिक लेयर होते हैं जो कि इसके सर्वाइवल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और पेप्टाइडोग्लाइकेन के ज़्यादा अमाउंट होने की वजह से ये कलर को रिटेन करते हैं। कैसे? यही पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है वो बॉन्ड बना देते हैं। बॉन्ड किसके साथ बना देते हैं? वायलेट डाई के साथ बना देते हैं। इसलिए जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से इसको वॉश किया जाता है तो इससे कलर जो है वो रिमूव नहीं होता है। और इसके अंदर दे एक्चुअली कंटेन लिस लाइपोपॉलीसेकेराइड, इसके अंदर लाइपोपॉलीसेकेराइड जो है वो अमाउंट के अंदर क्या होता है, कम मौजूद होता है। अगर हम देखें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को देखें, सो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर क्या होते हैं, दे कंटेन लेस कंटेंट ऑफ वर्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, लेस कंटेंट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। इनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन के थिन लेयर होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाते हैं विद क्रिस्टल वायलेट डाई। इसलिए आफ्टर वॉश विद वर्गोट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इससे जो कलर होता है वो क्या होता है, वो रिमूव होता है। और दूसरी बात जो है कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर लाइपोपॉलीसेकेराइड जो है वो ज़्यादा होता है, दे कंटेन मोर लाइपोपॉलीसेकेराइड। और स्टूडेंट्स वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइपोपॉलीसेकेराइड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर मोर पैथोजेनिक, दे आर मोर डिजीज काजिंग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वर्ल्ड लाइपोपॉलीसेकेराइड देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। नाउ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर मोर pathogenic than gram positive bacteria, so they show more resistance to antibiotics. एंटीबायोटिक्स के खिलाफ ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करते हैं बिकॉज उनके अंदर लाइपोपॉलीसेकेराइड जो है उनके सेलवाल के अंदर ज़्यादा अमाउंट के अंदर मौजूद है, इसलिए वो एंटीबायोटिक्स के खिलाफ क्या करते हैं, बैक्टीरिया को जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, जो डिजीज काजिंग बैक्टीरिया होते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। So this is student, this is all about word cell wall, and inshallah जो दूसरा lecture number 2 है उसके बाद उसमें हम जो bacterial structure में दूसरे points आते हैं उस पर इंशाल्लाह बात करते हैं, ठीक है। So this is all about today lecture, and I wish you all the blessings and happiness.